राज्यसभा हम लोगों ने कभी इस बारे में विचार नहीं किया। कांग्रेस की सिर्फ टक्कर, कांग्रेस जाने वहाँ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, मैं ही अध्यक्ष हूँ, तो समन्वय का आएगा वहाँ तो लठम लट्ठा मची हुई है वहाँ। अब ये वो जाने, हम तो अपने विरोध के काम में लगे, डट के लड़ रहे हैं जनता के लिए और लड़ेंगे। सरकार गिरेगी क्या लगता है? नहीं मुझे पता नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। भारतीय जनता पार्टी किसी सरकार को नहीं, बीजेपी के अंदर कोई अंतर ग्रुप तो नहीं है? कमलनाथ और सिंधिया जी के बीच में जो बात चल रहा है उसको लेके बीजेपी ने कोई रणनीति बनाई है? तो सोनिया गांधी जवाब दे, हमारी काय की रणनीति? हमारी रणनीति ये है कि ये बेईमान और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और वो लड़ाई आप देख रहे हैं, कहीं हम सौंसर पहुंच जाते हैं, कहीं हम अलग जगह, फिर जा रहा हूं कमलनाथ जी, मैं आ रहा हूं चौरई, वहां लड़ाई होगी, हम तो मैदानी लड़ाई लड़ेंगे। कल गांधी को लेके आ रहे हैं कल महाकाल एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ है और प्रस्तावना दी है और ट्वीट किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, एक तरीके से इक्वलिटी पर चैलेंज किया है। या अपन अपने मध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं, ओवैसी से हमें क्या लेना? बीजेपी में सब कुछ ठीक है? बीजेपी में आज देख लो आप, जैसा दृश्य देखा है आप, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, यहाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट, ठीक है।